नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ HP शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, हिमाचल को आदर्श राज्य बनाने के प्रयास जारी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि कोरोना काल की कठिन चुनौतियों का एकजुटता से सामना करने के बाद हिमाचल विकास के पथ पर फिर से तेजी से अग्रसर है। विभिन्न सामाजिक विषयों को लेकर वो व्यक्तिगत तौर पर भी अपना योगदान देकर इस पहाड़ी प्रदेश को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं राज्यपाल ने वीरवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी राज्यों के राज्यपाल व उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। रामपुर बुशहर अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला शुरू, न उद्घाटन हुआ और न समापन होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला गुरुवार से सूक्ष्म तरीके से शुरू हो गया। मेले का न उद्घाटन हुआ और न ही समापन होगा। प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक मेले में इस बार केवल स्थानीय कारोबारी ही अपने उत्पाद बेच पाएंगे। रामपुर के पाट बंगला मैदान में 14 नवंबर तक स्थानीय मार्केट सजेगी। यह मेला ड्राई फ्रूट, चिलगोजा, ऊनी शॉल, पश्मीना, गुड़, गुमा, नमक मसालों और घोड़ों बकरियों की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। वहीं एक समय था जब यहां तिब्बत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और नेपाल से पैदल ही कारोबारी पहुंचते थे। हिमाचल समेत देश के भिन्न राज्यों से कारोबारी यहां आते थे। ज़्यादातर कारोबारी चीज़ों का आदान प्रदान कर अपने देश में बेचते थे। इस बार कोरोना की मार के चलते विभागों ने बजट का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का स्तर घटा दिया है। वहीं विभागों ने प्रदर्शनियों भी नहीं लगाई है। मेले में बिजली व्यवस्था भी नहीं है। शिमला विकास नगर में फ्लैट में लगी आग, दम घुटने से बुजुर्ग की मौत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के विकास नगर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सी 26 ब्लॉक के सड़क नंबर 10 में गुरुवार सुबह करीब 4 बजे अचानक भड़की आग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 5 लाख का घरेलू सामान राख हो गया। आग की सूचना मिलने पर छोटा शिमला अग्निशमन केंद्र से गए बचाव दल और रिज फायर स्टेशन से पहुंचे बचाव दल ने आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। वहीं इस ब्लॉक के शेष फ्लैट और आसपास के घरों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो मौके पर पहुंचे डिविजनल फायर अफसर DC शर्मा और छोटा शिमला फायर स्टेशन के अधिकारी भक्तराम ठाकुर ने बताया कि आग की घटना में फ्लैट में रह रहे किशोर बजाज 64 वर्षीय बाथरूम में मृत हालत में मिले। उनके हाथ पांव बुरी तरह से जले हुए थे। शव पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर मारी छापामारी, 23,750 प्रतिबंधित दवाइयाँ बरामद। पुलिस ने देर शाम हमीरपुर रोड पर एक मेडिकल स्टोर पर छापामारी करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है। पुलिस ने इस संबंध में मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21, 22, 61, 85 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने ASP प्रवीण धीमान की अगुवाई में ऊना हमीरपुर रोड पर आदर्श नगर अरियनियाला में पुलिस ने मेडिकल स्टोर की तलाशी ली। वहीं इसी दौरान मेडिकल स्टोर से एल्प्रोजोलोम 0.5 की 14,250 गोलियां और 0.25 की 7,200 गोलियां सहित ड्रामाटोल की 2,300 बरामद की हैं। SP अजीत सेन ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में मेडिकल स्टोर के मालिक मुकेश शर्मा निवासी कुरियाला तहसील व जिला ऊना के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। HPU में पार्टी विशेष के लोग किए जा रहे भर्ती, लाडला कल्चर के खिलाफ यूथ कांग्रेस करेगी आंदोलन। छात्र संगठन प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर पिछले लंबे समय से सवाल खड़े कर रहे हैं। VC की नियुक्ति व गैर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। युवा कांग्रेस ने PhD में शिक्षकों के बच्चों को नियमों को ताक पर रखकर एडमिशन देने पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में लाडला कल्चर पनप रहा है, जिसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि प्रदेश यूनिवर्सिटी में प्रदेश के हर हिस्से से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पिछले कुछ समय से नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की जा रही हैं। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर व गैर अध्यापकों वर्ग की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। उन्होंने कहा कि PhD में चेतों को एडमिशन देकर लाडला कल्चर लाया जा रहा है। हादसा, सिरमौर के स्कूल में स्लैब टूटी, 11 फीट नीचे गिरे 5 विद्यार्थी घायल।
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के दराटीधार इलाके की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोंग बनेड़ी में रेलिंग नुमा रास्ते की स्लैब क्षतिग्रस्त होने से 5 विद्यार्थी घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC ले जाया गया, जहां से एक छात्र और 2 छात्रों को मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार वीरवार को मध्याह्न भोजन के बाद 11वीं कक्षा के विद्यार्थी खेल मैदान से रेलिंग नुमा रास्ते से होकर क्लास लगाने जा रहे थे कि अचानक स्लैब क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इससे 5 विद्यार्थी स्लैब के मलबे के साथ 11 फीट नीचे जा गिरे, जिससे प्राची, सिद्धार्थ, शिवानी, अभिषेक और निधि को चोटें आई हैं। इसके बाद स्कूल अध्यापकों ने सभी बच्चों को PHC पहुंचाया, जहां से प्राची, सिद्धार्थ और शिवानी को मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया है। प्राची की एक टांग में फ्रैक्चर है और अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। सिद्धार्थ के सिर में चोटें हैं, शिवानी की हालत ठीक बताई जा रही है। हिमाचल हाईकोर्ट स्कूल को नुकसान पहुंचाने वाली याचिका पर 24 तक टली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के स्कूल भवन खेल के मैदान को बर्बाद करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई 24 नवंबर के लिए टल गई है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सबीना की खंडपीठ ने इस मामले में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किए। वहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र विजय कुमार ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने ही स्कूल भवन, खेल के मैदान और मंच आदि को भौतिक रूप से नष्ट कर दिया है। खाली जगह को भी ढक दिया गया, इससे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां बड़े शॉपिंग मॉल बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कुछ अमीर लोगों और राजनीतिक नेताओं को फायदा होगा। मटर 120, राजमा 170 रुपये किलो। हिमाचल प्रदेश में आजकल पसंद की सब्जी भी हर कोई नहीं खा पा रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ने से यहाँ रेस्टोरेंट में भी खाने के दाम अधिक लगने लगे हैं। हरा मटर व शिमला मिर्च के दाम को तो इतने अधिक पहुँच चुके हैं कि हर किसी के बस की बात आज इस सब्जी को खाने के लिए नहीं हो रही है। मटर के भाव अगर 100 से 120 तक जा पहुँचा तो वहीं राजमा के दाम 170 पहुँच चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सब्जियों व दालों के दाम में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती गई तो महिलाओं की रसोई से न केवल सब्जियां गायब होंगी, बल्कि कुछ दिनों में दालें भी बन नहीं पाएंगी। HP बोस ने 9वीं व 11वीं की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं के समय में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं व 11वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं में कुछ बदलाव किया है। यह परीक्षाएं पहले 1:45 से 5 बजे तक आयोजित की जानी थी, जिनका समय अब बदलकर 2:12 से 4 बजे तक करने का फैसला लिया गया है। वहीं यह जानकारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी है। हिमाचल अभिभावकों ने किया मौन प्रदर्शन, वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करने की रखी मांग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ओकलैंड हाउस स्कूल शिमला में गुरुवार को 8वीं व 9वीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल के बाहर मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार व जिला शिमला प्रशासन से शीतकालीन सत्र के सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं और वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल प्रशासन ने छात्रों पर जबरदस्ती स्कूल आने का निर्णय थोपा तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। CM जयराम ठाकुर, सड़क निर्माण में किसी भी सूरत में न हो गुणवत्ता से समझौता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। बजट सत्र से पहले एक बार फिर सड़कों की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने वीरवार को सड़कों की स्थिति पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जयराम ठाकुर ने इस समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने अच्छा काम किया है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।